दिल्ली के मशहूर अनुराग सागर म्यूजिकल ग्रुप में गरीब परिवारों की मदद करने का बीड़ा उठाया। और वह गरीब परिवार के बच्चे जिनकी आवाज संगीत को दुनिया में चमकने के लिए, जिनको संगीत के कलाकारों के सहारे की तलाश है, उनको दुनिया के सामने लाने का जिम्मेदारी ली। दिल्ली के एपीबी स्टूडियो में अनुराग सागर म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सिंगिंग का प्रोग्राम किया गया। उससे जुटाई गई राशि से गरीब बेसहारा और जो गरीब परिवार के बच्चे जिन्हें कुदरत ने मधुर आवाज से नवाजा है, उन बच्चों की आवाज दुनिया के सामने लाने के लिए अनुराग सागर ग्रुप हमेशा आगे रहता है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य उससे जुटाई हुए राशि उन्हीं परिवारों के ऊपर खर्च की जाती है। और आने वाली 17 तारीख को यह ग्रुप गरीब रोड पर भीख मांगने वाले बच्चों को उनकी जरूरत के सामान देकर एक प्रेरणा दुनिया को यह देना चाहते हैं कि रोड पर सोने वाले बच्चे भी सरब आपके एक सहारे के मोहताज हैं। अगर उन बेसहारा को आपका सहारा मिल जाए तो वह भी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं, अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं और उनका भी भविष्य सुधर सकता है। यह जिम्मेदारी अनुराग सागर म्यूजिकल ग्रुप के बोर्ड मेंबर श्रीमान प्रमोद जी, श्रीमान डॉक्टर सुमेश जी और एडवोकेट सीमा प्रभाकर जी, श्रीमान राहुल बालिया, श्रीमान पैट्रिक विलियम द्वारा यह कार्य बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाया गया। और अनुराग सागर ग्रुप के सारे बोर्ड मेंबरों ने मिलकर कसम खाई कि हम संसार में गरीब बच्चों की आवाज को बुलंद करेंगे और संगीत के सुनने वालों को उनकी आवाज सुनाकर इन्हें वह सम्मान दिलाएंगे जिस सम्मान के असली हकदार है। दिल्ली से हमारे संवाददाता नेम सिंह चौहान की एक रिपोर्ट। और मुझे यहाँ पे मतलब बोलने का मौका दिया कि मैं यहाँ पे नावा की तरफ से कुछ बोल सकूं। मैं नावा की एडिशनल सेक्रेटरी कुछ कहना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेंबर्स में से जो गा रहे हैं, नेक्स्ट बार हमारे नावा के फंक्शन में जरूर आए और हमारा मनोरंजन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। साईनाथ कहीं अब न जा, दिल के सिवा कहेंगे। दिल की बातें समझा नहीं ये दिल, इसको हम तो रहे समझाते। बच्चे जो होते हैं रोड पे रिलेट्स पे काम करते हैं, बेचारे भीख मांगते हैं, उनके लिए कुछ हम करना चाहते हैं। हमारी संस्था उसका एक प्रोग्राम कैरोके करना चाह रही है जो कि 17 तारीख को इसी स्टूडियो में, एपीवी स्टूडियो के अंदर होने जा रहा है। सभी के लिए इनविटेशन है, कोई भी आके उसमें गा सकता है, अपना परफॉर्मेंस दे सकता है। जो भी कुछ उससे फंड रेज होगा, इकट्ठा होगा, उसको हम इनकी चैरिटी में जाएगा और इनकी ही उनके भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे। 17 तारीख को ऐसा क्या खास कार्य करने वाले हैं जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, और किन गरीब भाइयों की आप मदद करना चाहते हैं, कि गरीब बच्चों की आप मदद करना चाहते हैं, कृपया करके इस पर करके बताइए आप। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि चौराहे पे रेड लाइट पे बच्चे लोग भीख मांगते रहते हैं, उनकी तरफ सब लोग हे दृष्टि से देखते हैं और कई लोग तो देखते ही नहीं है, साइड से निकल जाते हैं। उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी किसी को पाँव में नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है। अभी जैसे कि कालरा साहब ने बताया कि भाई हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये चैरिटी के जो काम होगा इससे जो भी कोई फंड जनरेट होगा हम उसे उन लोगों की हेल्प के, किसी को शूज़ चाहिए, चप्पलें चाहिए या कपड़े चाहिए, वो हम उनको वहाँ से परचेज करके देंगे, जो उस चैरिटी से उस इकट्ठे हुए पैसे से वहाँ पे हम लगाएंगे। ये हमारा मकसद है, मेरी लाडली गुड़िया के बारे में। जी सर। देखिए, प्रतिभा किसी देश जाति या धर्म के गुलाम नहीं है। जिसमें भी प्रतिभा होगी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जान लगाएंगे। अभी हमारे सामने दो उदाहरण हैं जो कि बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमारे साथ में एक कलाकार हैं, सर मैं तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। मेरे पापा का तो एक शॉप है, छोटा सा चाय और अंडे की दुकान है सीपी में। और बस हम सर के, हम तो स्टार मेकर के द्वार से आए हैं यहाँ पे। तो आप कैसे मिले, आपको कैसे महसूस हो रहा है, और आप जब इनको मिले किस तरीके से मिले, आपको इन्होंने क्या सपोर्ट किया? मैं तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आई थी इनके साथ, तो जब मैं यहाँ पे गाना गाई तो
बहुत ही मुझे सपोर्ट मिला, बहुत ही बोले, ये लोग बोले कि आपको अब आप बहुत अच्छा गाते हो, मैं आपको सितारों पे ले जाऊंगा। ये मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी और बहुत अच्छी बात है। बच्ची थोड़ी नर्वस हो रही है बताने के लिए, और ये बहुत अच्छी उड़िया है, हमारी पहाड़गंज से रहती है और कनाट प्लेस में इसकी पापा की चाय की दुकान है। और इतने छोटे परिवार के होने के बावजूद परमात्मा ने इसको इतनी अच्छी आवाज़ दी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है इसकी, कि ये इस ग्रुप के माध्यम से आज जनता को और हर एक आदमी को जो आवाज़ का दीवाना है, गाने का शौकीन है, इसकी आवाज़ से वंचित नहीं है। और ये गुड़िया हमारी छोटी सी आगे परमात्मा कामयाब करे, भाई यही दुआ करते हैं परमात्मा से। अजी भाई जी, एक इनके भाई और हैं चंदन जी। चंदन जी क्या कहते हैं आपको, कैसा लग रहा है आप यहाँ के? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप सबके साथ गाने गाने में, सर के साथ गाने में मैं सब